अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली इब्ने तालिब की विलादत इस्लामिक कैलेंडर से लगभग 23 साल पहले मक्का मुकर्रमा में 13 रजब 30 आमल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर और 599 ईस्वी को हुई। प्यारे दोस्तों, बाज उलमाओं के मुताबिक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई, लेकिन दोस्तों बाज उलमाओं का इसमें इख्तलाफ है। उनके मुताबिक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर नहीं हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद का नाम हजरत अबू तालिब और आपकी वालदा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद है। मौला कायनात सैयदना हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अबू तालिब के फर्जंद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 30 साल छोटे हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता फरमाई तो जिन खुशनसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें नुमाया नाम मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ उन्हें नसीब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई हैं, लेकिन एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म हिकमत से भरपूर ऐसे फैसले सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक साइल आया और सवाल किया, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने उन्हें 6 दिरहम दिए थे, उनमें से 1 दिरहम दे दें। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और आकर कहा कि वालदा कहती हैं कि वह 6 दिरहम तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आटे के लिए रख छोड़े हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि उस बंदे को उस चीज पर जो अल्लाह के कब्जे में है ज्यादा एतमाद ना हो, निस्बत उस चीज के जो कि बंदे के कब्जे में है। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि वह 6 दिरहम दे दे। चुनाचे हजरत सैयदना फातिमातुल जहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वह 6 दिरहम दे दिए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वह 6 दिरहम उस साइल के हवाले कर दिए। अभी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक शख्स आया, उसके पास एक ऊंट था और वह उस ऊंट को बेचना चाहता था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस शख्स से कहा कि वह इस ऊंट को कितने में बेचना चाहता है। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इसे 140 दिरहम में बेचूंगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, इस ऊंट को इधर बांध दो मगर एक शर्त पर कि मैं इसकी कीमत कुछ देर के बाद अदा करूंगा। उस शख्स ने रजामंदी जाहिर कर दी, वो शख्स मान गया और ऊंट को बांध कर चला गया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अभी खड़े ही थे कि एक और शख्स आया और उसने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि यह ऊंट किसका है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, यह मेरा है। उस शख्स ने कहा, क्या आपका इरादा इसे बेचने का है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने कीमत पूछी तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे ऊंट की कीमत 200 दिरहम बताई। उस आदमी ने 200 दिरहम देकर वह ऊंट ले लिया। कुछ देर बाद वह शख्स आया जिससे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऊंट लिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे 140 दिरहम दे दिए और 60 दिरहम लेकर हजरत सैयदना फातिमातुल जहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और उन्हें वह 60 दिरहम दे दिए। हजरत सैयदना फातिमातुल जहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि कहाँ से आए।
हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हों ने फरमाया, यह वह है जिसका अल्लाह तआला ने वादा किया है और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अल्लाह तआला की राह में एक खर्च करेगा उसे 10 मिलेंगे। चुनाचे मैंने उस साइल को 6 दिरहम दे दिए और अल्लाह तआला ने मुझे उनके एवज में 60 दिरहम दे दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सदाकत दूर दूर तक मशहूर थी, लिहाजा लोग आपके पास अपनी अमानत रखवाया करते थे और जब उनको उनकी चीजों की जरूरत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लौटा दिया करते थे। हिजरत मदीना की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को सारी अमानत सुपुर्द कर दी और उनसे इरशाद फरमाया कि आप इन अमानतों को मक्का मुकरमा में एक अजीब वाक्या पेश आया। अबू सुफियान के बेटे हंजरा ने उमैर बिन वाल सगजी को बुलाया और उससे कहा, तुम अली इब्ने तालिब के पास जाओ और उससे 80 मिस्का सोने का दावा करो कि मैंने यह सोना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ कूच कर गए हैं और अली उनके वकील हैं, उनसे जाकर कहो कि आप मेरी अमानत मुझे वापस कर दें। अगर अली तुमसे गवाह तलब करें तो हमारी गवाही कुरैश की तमाम जमात देगी और तेरे इस कदम के बदले में मैं तुझे अपनी माँ हिंदा का गुलू बन देता हूँ। उमैर बिन वाइल ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हों के पास आकर अमानत का दावा कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हों ने उससे अमानत की निशानी तलब की तो उसने बता दिया कि इसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हों ने अमानती सामान में उसे तलाश किया लेकिन उसकी अमानत कहीं नजर नहीं आई, यहाँ तक कि उसके असरात भी नहीं मिले, जबकि हर अमानत उनके पास मौजूद थी। और उन अमानतों वज ने उमैर को बहुत समझाया कि तुम इस दावे में झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसे समझाने में कोई फायदा नहीं हुआ, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मेरे चंद गवाह हैं जिसमें अबू जहल और उसका बेटा इरमा उकबा बिन खुद अबू सुफियान और उसका बेटा हंजरा शामिल हैं। यह हजरात मेरी गवाही देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि यह सिर्फ उनका फरेब है, चुनाचे आपने फरमाया कि गवाहों को खाना काबा में हाजिर किया जाए। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हों ने उमैर को ऐसी जगह तलब किया कि गवाह उमैर की बात ना सुन सके। आपने फरमाया, बरादरी सकब बताइए, यह अमानत आपने दिन के किस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द की थी? उसने कहा, दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से ली थी और अपने गुलाम के हवाले की थी। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लेकिन उसने गवाही देने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझ पर गवाही देना कोई फर्ज तो नहीं है। फिर आपने अबू सुफियान को बुलाया और उससे यही सवाल किया। अबू सुफियान ने कहा, गुरूब आफ्ताब के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब में डाल दी थी। फिर हंजरा को बुलाया तो उसने गवाही दी कि दोपहर का वक्त था जब यह अमानत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उकबा बिन मुद को बुलाकर उससे सवाल किया। उकबा ने जवाब में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमानत असर के वक्त ली थी और फौरन अपने घर भेज दिया था। फिर हजरत अली ने एक रमा को बुलाया और उससे सवाल किया। उसने जवाब में कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमानत तुलु आफ्ताब के वक्त ली थी और इस अमानत को फातिमा बिनते असद के घर रवाना कर दिया था। जब उमैर ने मुख्तलिफ और अलग अलग गवाहियां सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वह जान गया कि अब उसकी रुसवाई होने वाली है और उसे मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे उसका रंग जर्द हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ उमैर, तेरा रंग क्यों जर्द हो गया और तुझ में तब्दीली क्यों हो रही है? उमैर ने कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दरअसल वो किसी का मकरो फरेब था। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ, मैं रुस्वा नहीं होना चाहता, मुझे इस पाक बैतुल्लाह शरीफ की कसम कि मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अमानत नहीं थी। असल में हंजरा बिन अबू सुफियान ने मुझे लालच दिया
और उसने मुझे उसके बदले में दीनार और हिंदा का गुलबंद दिया, उन्हें मैं वापस करता हूँ। यह सुनकर कुरैश के सर खजल से झुक गए। उसी वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वह तलवार लाई जाए जो कोशा खाना में मौजूद है। चुनाचे आपने वह तलवार ली और अबू सुफियान के सामने रखी। फरमाने लगे, इस तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान और उसके गिरोह ने जवाब दिया, हाँ यह तलवार हंजरा की है, यह वह तलवार है जो चोरी हो चुकी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ यह तलवार हंजरा की है, लेकिन उसे किसी ने चुराया नहीं, इसमें भी तुम्हारा मकफरेब शामिल है। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा, बताओ तुम्हारा गुलाम माला असवा कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा, वह किसी काम के लिए ताइफ गया हुआ है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, अगर तू सच्चा है तो उसे हाजिर कर। अबू सुफियान खामोश और परेशान हो गया। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरदार कुरैश के 10 गुलामों को हुक्म दिया कि जमीन के फला टुकड़े में गड्ढा खोद कर माला असवा की लाश को बाहर निकालो और उसे सहने काबा में लाए। चुनाचे फिर उन्होंने ऐसा ही किया और वह अबू सुफियान के गुलाम की लाश को लेकर आए। ए मंजर देख कर लोग इकट्ठे हो गए और इस कत्ल की वजह पूछने लगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हंजला और अबू सुफियान ने उसे रिश्वत दी थी और उससे कहा कि अगर तू अली को कत्ल कर देगा तो हम तुझे आजाद कर देंगे, और उनका गुलाम इस पर राजी हो गया। हंजला ने उसको तलवार दी, वह अंधेरे में छुपकर बैठ गया ताकि मुझे कत्ल करे। जब मैं उसके करीब गया तो वह खड़ा होकर तलवार से मेरे सर पर वार करने लगा। मैंने उससे तलवार खींच ली और एक बार में उसे कत्ल कर दिया, और यूं उसके मकफरेब का कोई नतीजा नहीं निकला। उमैर ने जब यह दास्तान सुनी तो उसका दिल नूर इस्लाम से रोशन हो गया और उसने कहा, अश्शहादु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वाक्य के बाद हजरत अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। रिवायत में आता है कि दो मुसाफिर इकट्ठा सफर कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उनमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इस दौरान एक शख्स का गुजर उस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। उन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी। चुनाचे वह शख्स इनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा, ए 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वह शख्स चला गया। उस शख्स के जाने के बाद उन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी वह कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी इसलिए 5 दिरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब यह मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, यह दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन दोनों की बात गौर से सुनी और फरमाया, जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी उसे 5 दिरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले पर एतराज किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, यह मुनसिफाना फैसला है और अगर मैं फैसला करूं तो तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात को सुनकर महफिल में जितने लोग बैठे थे वह भी हैरान हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम दोनों की रोटियों के कुल 24 टुकड़े हुए और हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। अब तुम्हारे 3 रोटियों के कुल 9 टुकड़े हुए जिसमे से 8 खुद तुमने खा लिए और 1 बच गया, जबकि दूसरे शख्स की 5 रोटियों के 15 टुकड़े जिसमें से उसने 8 टुकड़े खाए और 7 बच गए। लिहाजा तुम्हारे 1 टुकड़े के बदले तुम्हें 1 दिरहम और उसके 7 टुकड़ों के बदले उसे 7 दिरहम मिलेंगे। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात सुनकर 3 रोटियों वाले शख्स ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैसला कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से एक और दिलचस्प वाकया हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने पेश आया। मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके सिपाही ले जा रहे थे। उस लड़के ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर पुकारा और कहा, ऐ अली बिन अबी तालिब, मुझे बचाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? तो वह लड़का कहने लगा, मौलाए कायनात, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद
कत्ल की सजा सुना दी गई है, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिपाहियों से पूछा कि क्या बात है। सिपाहियों ने कहा, ऐ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको मालूम नहीं है कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तो फिर तेरा कत्ल इस कत्ल के बदले में जायज है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। मैंने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे, तो उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने उससे पूछा, क्या यह सच है? तो सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक्य का कोई गवाह नहीं है कि वह इसके साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काज वक्त ने यह देखा कि मालिक का कत्ल हो गया, अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने इसके साथ बुराई का इरादा किया था, उसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने उसे कत्ल की सजा दी। वह लड़का रोने लगा और कहने लगा कि वाकई मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और आकर फरमाया, आए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे, इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं इस कत्ल की तफ्तीश आपके सुपुर्द करता हूँ। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फैसला करने के लिए आए, उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? उसने कहा, फलक कब्रिस्तान में है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चंद सिपाहियों को अपने साथ लिया और उनके साथ उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान चले गए। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि इसके मालिक की कब्र को खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसके कब्र में मालिक की लाश नजर नहीं आई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आ गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यह लड़का सच्चा है, सच बोल रहा है, इसका मालिक वाकई इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है, इस बात का क्या सबूत है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको तो उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है, तो इसलिए जब हमने उसकी कब्र को खोदा तो उस कब्र के अंदर उसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिनों पहले ही उसको दफन किया गया था, इसलिए वाकई इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा करता होगा। इस तक का फायदा देते हुए उस लड़के को बरी कर दिया गया। इस मौके पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आज आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना होते तो उमर हलाक हो जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले बहुत बड़े, बहुत गहरे हुआ करते थे। अल्लाह तआला ने आपको बड़ी जहान बख्शी थी। इसी तरह से एक बार का वाक्या है कि मकाम सफीन को जाते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर का एक ऐसे मैदान से गुजर हुआ जहाँ पानी नहीं था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहां के गिरजाघर में एक राहिब रहता था, उसने बताया कि यहाँ से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकता है। कुछ लोगों ने इजाजत तलब की ताकि वहां से जाकर पानी पिए। यह सुनकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि उस जगह तुम लोग जमीन को खोदो। चुनाचे लोगों ने जमीन की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी खुदाई के बाद एक पत्थर जाहिर हुआ। लोगों ने उस पत्थर को निकालने की इंतहा कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो पत्थर ना निकल सका। यह देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलाल
को जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को उस पत्थर के दराज में डालकर जोर लगाया तो वह पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत ही साफ सफा पानी का चश्मा जाहिर हो गया और तमाम लश्कर उस पानी को पीकर शराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पानी पिलाया और लश्कर के तमाम मस्कों को भर लिया। फिर आप रजिलाउत आला अनहो ने उस पत्थर को उसी जगह पर रख दिया। गिरजाघर का राहिब आपकी करामात देखकर सामने आया और आप रजिलाउत आला अनहो से पूछने लगा कि क्या आप फरिश्ता हैं? आप रजिलाउत आला अनहो ने फरमाया नहीं। उसने पूछा कि आप नबी हैं? आप रजिलाउत आला अनहो ने फरमाया नहीं। उसने कहा फिर आप कौन हैं? हजरत अली रजिलाउत आला अनहो ने फरमाया कि मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत फरमाई है। यह सुनकर वह राहिब कलमा शरीफ पढ़कर दीन इस्लाम में शामिल हो गया। आप रजिलाउत आला अनहो इतनी मुद्दत तक इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया? राहिब ने कहा कि हमारी किताबों में यह लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब जो एक चश्मा पोशीदा है और उस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनाचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इसी इंतजार में मुकीम रहे। अब आज आपने इस चश्मे को जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद पूरी हो गई, इसलिए मैंने आपके दीन को कबूल कर लिया। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो पड़े और चारों कतार रोए। फिर आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। एहराह मुसलमान होकर आपके लश्कर में शामिल हो गया और शामिल होने से के बाद जंग करते हुए शहीद हो गया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए दुआए मगफिरत फरमाई। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और वाक्या आपको हम सुनाते हैं, इससे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक मर्तबा जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 18 की उम्र के थे यानी अभी जवानी का वक्त था, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गवर्नर बनाकर भेजा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सियासत नहीं आती, मैं दो लोगों के दरमियान फैसला नहीं कर सकता और मैंने मसले हल करने का तरीका भी कहीं नहीं सीखा। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम्हारे सामने कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी, बस वह ये याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास कोई शख्स फरियाद लेकर आए तो तुम दूसरे शख्स की भी बात को मुकम्मल सुनना और दूसरे शख्स की बात सुने बगैर कभी फैसला न करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इस दुआ की वजह से मुझे कभी परेशानी पेश नहीं आई और हमेशा फैसला करने में अल्लाह की मदद होती थी और मैं इस नसीहत पर खूब अमल करता हूँ। जब तक दूसरे शख्स की भी बात नहीं सुन लेता, कोई फैसला नहीं सुनाता। तो प्यारे दोस्तों, यह थे चंद वाक्यात हजरत अली के फैसले और उनके इल्म के। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।